शक्ति का प्रतीक और सौभाग्य की कामना का पावन पर्व है हरतालिका और तीज का व्रत। मान्यता है कि इस दिन जो महिलाएं विधि विधान पूर्वक और निष्ठा से इस व्रत को करती हैं, वो महिलाएं अपने मन के अनुरूप पति को प्राप्त करती हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाले हरतालिका तीज व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। नारी के सौभाग्य की रक्षा करने वाले इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने अक्षय सौभाग्य और सुख के लिए श्रद्धा, लगन और विश्वास के साथ मनाती हैं। शिव पुराण की एक कथा अनुसार इस पावन व्रत को सबसे पहले राजा हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था और उनके तप और आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। और तभी से सौभाग्यवती महिलाएं और कुंवारी लड़कियां हरतालिका व तीज का ये पावन पर्व मनाती है। मंच टीवी के सारे दर्शकों को हरतालिका व तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।